या मेरे रिश्तेदार 6 किलोमीटर के रास्ते पे रहते हैं तो उन्होंने ऑर्डर करना है। तो उसकी एक लॉजिकल रीजन ये है कि उससे फूड की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो आपकी तरफ से होती है, जो कोलैबोरेशन के साथ लग रही होती है उसमें कुछ परसेंट शेयर हम देते हैं। रास्ता बंद हो गया, 100 मसले आ गए राइडर को रास्ते में, फूड की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, खाना ठंडा हो जाएगा। 20% ऑफ लगा रहे हैं तो अगर हमारे पास एक बजट हमें असाइन होता है तो उसमें से हमारे पास गुंजाइश होती है 5% या 10% वो हम आपको देते हैं। वेंडर्स आते हैं हमारे पास पूछने जी कि यार हम मेन्यू देंगे तो उसकी कॉस्टिंग कौन करता है। सो कॉस्टिंग देखें, 28% फूड पांडा को हम हर चीज़ देख के आप जो है कॉस्टिंग कह रहे होते हैं। आप लोग भी देते हैं, हम भी करते हैं उस पर। आपको होम बेस अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं लेकिन उसमें हमारी कॉस्ट राइडर के लिहाज से देख लें आप क्या लग रही है, आपके मार्केटिंग प्रमोशन जो बेसिकली आपको ऑर्डर्स जनरेट करके हम दे रहे हैं। देखें, आपने एज अ होम शेफ काम करना है उसमें डिफरेंस है और जो आपने रेस्टोरेंट रन करना है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपकी लेबर है, आपने रेंट मैनेज करना है, आपने बिल्स मैनेज करने हैं, आपने कॉस्ट मैनेज करनी है, फिर जब आप क्वालिटी दे रहे हो। परसेंटेज हमारी जो होम शेफ की है वो हम 28% पर ऑर्डर पर कमीशन चार्ज कर रहे हैं और इसी के साथ एक 200 लिस्टिंग पीस होती है जो कि वीकली इनवॉइस में से डिडक्ट होती है। आपको जो हमारी तरफ से स्टैंडर्ड टाइम मिल रहा होता है वो 10 से 12 मिनट का मिल रहा होता है, बट अगर आप अपना ऑर्डर 8 मिनट में, 7 मिनट में या 9 मिनट में हैंडओवर कर रहे हो राइटर को, इट मींस कि आप जितनी जल्दी उसको दोगे उतनी ही जल्दी आपके कस्टमर को जब डिलीवर होगा तो आपका रेडियस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होगा।